अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पिंजरे के अंदर ही आ गया था। मैंने कहा चले अंदर चल के आज वीडियो बनाती हैं, तो कल से मेरी वीडियो नहीं अपलोड हुई तो मैंने कहा चले आज वीडियो अपलोड कर ही देते हैं। तो मैं आ गया था ऊपर, मैंने कहा मोबाइल भी नहीं था मेरे पास कल, तो आज मेरे पास मोबाइल आया इसलिए मैंने कहा चले वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों, एक ना वो जो हमारा लक्का पिजन, लक्का कबूतर है, उसके दो बच्चे थे, दो अंडे थे। जैसे कि मैंने आपको कहा था लाइन लाइन वाइज सबके बेबी पिजन निकल आएंगे, तो उसके बच्चे जो थे ना वो निकल तकरीबन ना निकल गए हुए हैं दोनों, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद ये देखिए इसकी आंख भी, उस दिन इसको कल मैंने भी ड्रॉप डाल नहीं, रात को शायद नहीं डाला, पर डाला फिर ठीक हो गई थी, फिर इसने बंद करनी शुरू कर दी। पता नहीं इसका क्या मसला है। अब मेरे ख्याल से ना 3-4 दिन है फिर इसके भी अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। तो पहले मैं आपको बेबी पिजन दिखाता हूँ जो निकले थे। तो ये देखे माशाल्लाह दोस्तों, पहला तो बेबी पिजन ये है ना, तो छोटा सा था, अब माशाल्लाह बहुत बड़ा, माशाल्लाह बहुत प्यारा क्यूट सा बन गया। और ये देखें, इधर हम मुझे तंग करने के लिए सोच रहे कि कहाँ से आऊँ इसके पास और आके इसको मारूँ। देख सकते हैं ये ले आ गया। ये देखें इधर इसके काम बिट्ठों से भरे पाँव, बस करो दोस्त बन जाते हैं, नहीं इतनी लड़ाइयाँ करते। ये देखें जरा, ये देखें 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 बेशरम मारते ही रहता है हर वक्त मुझे, चल जा निकल जा, अभी मैंने दोस्ती करी। तो दोस्तों, एक यहाँ पे था लाइन वाइज, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो सबसे पहला ये निकले थे बच्चे, निकला था बच्चा ये इतना, उसके बाद माशाल्लाह ये निकले थे दोस्तों। ये देख सकते हैं आप साइड पे हटो, ये देखें माशाल्लाह दोस्तों दो ये, उसके बाद फिर ये निकला था जो भी बिल्कुल गंजाइश के ऊपर पा रहा है, आंखें खुल गई हैं देखें, ये था ये है। उसके बाद फिर उसके बाद ओए हटाओ, उसके बाद दोस्तों दो ये हैं, ये कबूतरी बहुत गुस्से भरी है, मुंह इधर काट के दिखाता हूँ आपको मैं, गर्म किए हुए हैं उसने अपने नीचे सेक दे दे के। ये देखें जी दो ये हैं, जो जो मैं कहता हूँ मोटी नाक वाला पेड़, वो ये पेड़ है जी। तो दोस्तों उसको नहीं छेड़ते था कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाएगी। दोस्तों ये देखें जी, इसके पाँव पे बिठे बहुत लगी थी, तो मैंने वो कल उतारी है इतनी मेहनत से, मेरी खुद तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो अब आगे थोड़ी बेहतरी हुई है। तो ये देखें जी ये ऊपर चढ़ी हुई है, ये देखें ये भी ऊपर चढ़ा हुआ है, ये भी ऊपर आया हुआ है, सब अपनी अपनी मौज में ऊपर आए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके बेबी पिजन, ये आपको नज़र आ ही गए होंगे थोड़े बहुत। तो ये है जी वो लक्का, पीछे करके थोड़ा दिखा देते हैं आपको, ये है जी वो लक्का जिसके बेबी पिजन निकले हैं। तो इसको मैं उठा के आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह दोस्तों देख सकते हैं जी आप, इसी को छेड़ना ही देता है ये, इतना भी इनको है गुस्सा क्या, क्यों मारे, इतने क्यूट से बेबी पिजन है दोस्तों ये, तो हम नहीं छेड़ते ज़्यादा ताकि वो गुस्सा ना करें मारी पे हम पे। तो दोस्तों चलते हैं बाहर, आज ना मुर्गियों ने अंडा देना था मुर्गी ने, तो कल भी दिया था, देख लेते हैं आज भी शायद दे दिया हो, तो चल के देखते हैं बाहर हम अंडा दिया है या नहीं। ये देखे मैंने कवर करके इनको किया था, अगर आपको इनके अंदर ठंड ना जाए, तो देखते हैं दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये देखें ज़रा ये कहाँ पे अंडा आया है, इसमें नहीं उन्होंने दिया, इतनी आसान जगह पे नहीं देने की सोची, ये देखें ज़रा कहाँ पे अंडा, देखें ज़रा बस आपने इन्होंने कहाँ पे दिया हुआ। ये देखें ये मिल गया, हमने एक ही उठा लिया, तो अब चलते हैं दूसरे केज में, उधर देखते हैं दिया कि नहीं दिया, ये नीचे छुपा देते हैं ताकि टूट ना जाए हमसे। चलते हैं दूसरे केज में और वहाँ देखते हैं कि क्या सीन है। तो दोस्तों देख लेते हैं जी, जी नहीं यहाँ नहीं जी, यहाँ पे नहीं अंडा आया कोई, ये जी नहीं आया अंडा कोई, ऊपर से देखता हूँ मैं यहाँ पे अंदर, यहाँ कहीं ना आया हो, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं जी आप भी। तो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको डब्स के बेबी पिजन दिखाता हूँ चाबी लेकर, फिर हम कबूतरों को खाना पानी दाना पानी डालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप जी ये बेबी पिजन, ये देखें जी हटो भाई नीचे उतारते हैं इसको, वो देखें देखिए माशाल्लाह दोस्तों कितने प्यारे ब्यूटीफुल बेबी पिजन है। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये बेबी पिजन ही हैं, ये इनमें तो समझिएगा कि ये बड़े कबूतर हैं पर भाई लोग डब्स हैं, ये देखिए कितना इन्होंने बिट्ठों से भरा हुआ है, तो ये बेबी पिजन ही है माशाल्लाह, ग्रोथ बड़ी अच्छी माशाल्लाह से हुई है। एक वो मेल के पीछे है, मैंने इसको हटाया वो नहीं हटा, वो खुद उतर चले गए,
तो दोस्तों फीड तो इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी बेहतर कराई हुई है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। इस दफ़ा धूप में इनकी ब्रीड निकली है ना, तो बहुत कमाल की ब्रीड हुई है इस दफ़ा इनकी, वरना ये नीचे मैंने जब रखे थे इतनी कमाल की ब्रीड नहीं थी हुई हुई थी, पर ये इन्होंने बच्चे नहीं इतने अच्छे पाले थे जिस तरह माशाल्लाह ये पले हैं ना। ये देख सकते हैं जी आप जिस तरह माशाल्लाह पल गए हैं, इतनी जल्दी और इस तरह बड़े नहीं थे हुए ये बच्चे, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बच्चे पले हैं। आगे ये फिर अंडे देगी, तो मैंने ये दोनों लगा दिया अपने पास ही लगाई हैं ताकि हमारे हाथ के पास ही और हम चेक कर सकें जी क्या सीन है जी। दूर दूर लगाई थी एक वो टोकरी जिसके ऊपर वो देखें उन्होंने पराली निकाल के इसमें डाल दी और वो उल्टा दी है, तो दोस्तों इसके भाव को हटाने की कोशिश मैं करता हूँ क्योंकि भाव हटेगा तो पीछे वाला बेबी जन नजर आएगा। मैं हटा के दिखा लें जी, ले दोस्तों मैंने उसको हटा दिया, अब मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ वो देखें जी वो एक लें दोस्तों देख सकते हैं जी ये बाप, ये देखें ये भी साथ हो गया उसके पास जा रहा है, डर रहा है मेरे से कैमरे से ना, डरते हैं ये छोटे से बेबी पिजन है। ओहो सॉरी छोटे से डव डव के हैं बेबी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कबूतरों की तरफ, उधर दाना पानी डालते हैं, फिर मैं आपको ना दाना पानी डाल के तो सीध से फिर मैं आपको दाना पानी डाल के दिखाऊंगा क्योंकि इस तरह अगर मैंने किया तो वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। दोस्तों इनके भी बाजरे खाली हुए, इनको भी मैं डाल के ना बाजरा फिर आपको दिखाता हूँ। फिर नया बाजरा आया था, बाजरा ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह, थोड़े दिनों तक थोड़ा भी आज ले ही लूँगा मैं ज़रूर इनका, क्योंकि बार बार लाता हूँ तो बहुत मसला होता है ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं इस पर ना डाल के फिर आपको दिखाई, दोस्तों देख सकते हैं जी आप दाना आ चुका है जी, तो रोज़ लगता था इनका क्या जाएगा, पैसे तो मेरे खर्चे होते हैं जी, तो कोई नहीं दोस्तों शौक भी तो मेरा ही है ना, पर कुछ नहीं होता दोस्तों मैं फिर डालता हूँ इनको दाना। तो ये तो मैंने वैसे ही बात कर दी कि पैसे तो एक अच्छे होते हैं, पर अब मैं डालता हूँ इनको दाना, इनका बाहर ला के वो डब्बे वो छापरात डाल के पानी डाल के, तो मैं आपको एक दफ़ा ही डाल दिखाऊंगा एक खाते हुए, तो क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है इसलिए मैं आपको ना अब करके सब कुछ फिर दिखाता हूँ। दोस्तों देखते हैं जी मैंने इनको डाल दिया, ये खा रहे हैं देख सकते हैं जी आप, सब छोड़ के आ गए बस ये नहीं गया, और एक वो ऊपर से लका पिजन भी आ ही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, जब पसंद आई होगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।